हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज के बारे में इंट्रो देना, बताना। बातचीत, यानी जैसे कि आप हो, आपका एक फ्रेंड है, तो अपना इंट्रो दे रहे हो कि माय नेम इज हरप्रीत सिंह, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, दिस दैट। ओके। ओके तो हम आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोडक्शन क्या है। बातचीत करना। यस, गुड। अपने बारे में मतलब बताना। तो यहां से हम शुरू करेंगे, तो आप यहां से यहां तक रीड करो एक बार। एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ डिवाइस। वेरी गुड। अब इसमें क्या बताया रखा है? ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ डिवाइसेस। मतलब कि जो कंप्यूटर है वो मेनली फोर टाइप्स के डिवाइस से बना हुआ है। तो क्या है, चलो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस, सेकेंड है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड है हमारा आउटपुट डिवाइस, फोर्थ है हमारा स्टोरेज डिवाइस। ओके, यस मैम। तो ये फोर टाइप्स होते हैं जिससे जो कंप्यूटर को मतलब मेन फीचर्स है, इसके मेन डिवाइस ये फोर है कंप्यूटर के। ठीक है, गुड। ओके मैम। ओके, अब आप लुक से लेके यहाँ तक रीड करो। डायग्राम गिवेन बिलो शोइंग हाउ दिस डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। ओके, वेरी गुड। अपने देखो क्या बता रखा है, लुक एट द डायग्राम। ये देखो, ये जो आपको बना के दिया है ना, इसे डायग्राम बोलते हैं। तो इसको देखो, शो मतलब ये कैसे एक डिवाइस एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। ठीक है, टू इच अदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फॉर्म ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। फिर ये कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, मेरी आवाज आ रही है आपको सही से? आपकी नहीं आ रही है? अब यस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको छोटा सा छोटी सी बात में या एक दो लाइन में इसके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे आगे क्लासेस में जा रहे हैं बट उनको पता नहीं है। ठीक है, यस मैम। तो सबसे पहले हम इनपुट का लेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे आपके पास कॉर्न है एक कटोरे में, कॉर्न मतलब समझते हो? यस मैम। गुड। कॉर्न आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यस मैम। और पॉपकॉर्न वाली वाली मशीन में आपने कॉर्न को डालना, तो जो मशीन है वो क्या कर रही है? मशीन प्रोसेस कर रही है। ठीक है, ओके मैम। मशीन से जो बाहर निकलता है उसे हम कहेंगे आउटपुट। ओके मैम। ठीक है, आउटपुट। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है कि मैम स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, क्या यूज होता है, और आपने इनका इसका क्यों नहीं बताया? ओके, हरप्रीत म्यूट योर माइक। तो स्टोरेज डिवाइस देखो, हम फॉर एग्जांपल एक इजी सा एग्जांपल लेंगे। जैसे आपका एक छोटा सा घर है, उस घर में ये घर जो है ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
यस मैम। हाँ, ये जो घर है ये स्टोरेज है, क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। अब इसके अंदर आप हो, आपका पिल्लो है, आपका बेड है, आपका बेडरूम है, आपके पेरेंट्स है, किचन है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लोग हैं। तो ये एक तो ये घर तो हो गया आपका स्टोरेज डिवाइस, और इसमें आप इतने सारी चीजें हैं तो ये स्टोर किया हुआ है घर, है ना। तो अब हम इसको मैं आप एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे कि आपके घर के अंदर, आपका घर एक स्टोरेज है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, घर की चीजें कुछ भी रख सकते हो। अब उसमें आप सोचो ट्रक आ जाए घर के अंदर तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो जैसे स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपके कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें आपके हर चीज स्टोर होती है। जैसे आपने यूट्यूब पे कौन सी वीडियो चलाई, आपने अभी क्लास लिया, आपने कौन सी पीडीएफ खोली है, आपने इस टाइम कौन सी वीडियो देखी, आपने कंप्यूटर को कितने बजे ऑन किया, आपने कंप्यूटर में कितने बजे पीडीएफ बनाई, कितने बजे फोटो डाउनलोड किया, कितने बजे वीडियो बनाई, कितने बजे वीडियो डाउनलोड किया। तो ये सारी डिटेल स्टोर हो जाती है कहाँ पे? कंप्यूटर में, कहाँ पे? वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पर दूसरे में क्या बता रखा है। लेट अस लर्न अबाउट इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो इनके बारे में चलो पढ़ते हैं और हम इनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर सबसे पहला बता रखा है इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, तो यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय मींस ऑफ इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में आप कुछ भी डेटा देते हो उसको इंस्ट्रक्शन मतलब आप उसको बोलते हो कि यूट्यूब खोलो, फोटोज की गैलरी खोलो, ये वाली फाइल खोलो, ये वाला गेम खोलो। तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर आपको वो सारी चीजें देता है, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। तो देखो यहाँ पर सबसे बता रखा है जो आपका सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है वो दो है, जो है कीबोर्ड और माउस। अब कीबोर्ड और माउस को मैं आपको कोशिश करूंगी कि ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन कर सकूं अच्छी तरह। अच्छा बताओ क्या आपको अभी तक ऊपर से नीचे तक कोई अभी तक डाउट है? नो मैम। गुड। ओके, ए कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट योर वर्क इन द कंप्यूटर। सो कीबोर्ड से आप अपना वर्क है जो टाइप कर सकते हैं किसमें? कंप्यूटर के अंदर, इनपुट द कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, आपने क्लास थर्ड में भी कंप्यूटर के बारे में काफी पढ़ा था, क्लास सेकेंड में भी काफी पढ़ा था, तो आपको कंप्यूटर के ये कीबोर्ड के बारे में याद है? यस मैम। हरप्रीत, आपके उधर से वॉइस बहुत ज्यादा हो रही है, व्हाट हैपेंड? मैम नथिंग, अब आ रही है। म्यूट द माइक। नेक्स्ट है हमारा माउस। तो अब हम माउस के बारे में जानेंगे। तो ए माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो माउस है वो यूज हम कर सकते हैं ड्रॉइंग में भी, पिक्चर्स में भी, और किसी भी ऑब्जेक्ट यानी चीजें सिलेक्ट करने में, एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं माउस। अब मैं आपको माउस और कीबोर्ड की एक फोटो दिखाती हूँ जिससे हमारा ये डाउट प्रॉपर तरह क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके मैम। तो मैं आपको कीबोर्ड की
इमेज भेज रही हूँ, ठीक है, आप उसे देखो और मैं आपको उसके बारे में कुछ चीजें बताती हूँ। तो आपके ग्रुप में आ गया। ओके, मैं अब स्क्रीन शेयर करके मैं एक बार क्लियर करके दिखाती हूँ। तो आप ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं, एक्चुअली बुक में ना प्रॉपर नहीं दिखाया गया है उसको, क्या पता हम आगे डिटेल में पढ़े, तो अभी मैं आपको इसमें से बता देती हूँ। इसमें नंबर होते हैं 1 to 9, फिर 0 होता है, और यहाँ पर 1 to 9 और 0 नंबर्स होते हैं, और ये देखो अल्फाबेटिकल नंबर्स हैं यहाँ पर, और ये ब्रैकेट है, ये शिफ्ट है, ये एंटर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेस बार। देखो आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर ना एक टेक्स्ट लगाया है, और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ हेलो, हेलो के बाद मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो ये गैप नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैंने पहले तो हेलो किया, ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेस बार यानी ये जो बीच वाला है इसको दबाया, तो देखो ये गैप हो गया, ये इतना गैप हो गया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगी हेलो हाउ आर यू मैम। यस मैम, वो गलती से मैं लीव हो गया था, मैम दोबारा समझा दोगी आप? ओके, तो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कितने कॉमनली, अगर हम कॉमनली देखे जाए तो कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, आपको सेकेंड क्लास और थर्ड में भी बताया गया था, तो कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं मैम? कीबोर्ड में तो 106 होते हैं कॉमनली, वैसे किसी में ज्यादा भी होते हैं किसी में कम भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कॉमनली देखा जाए जो आपने सेकंड क्लास में पढ़ा है उसमें 106 कॉमनली बताया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर नंबर वाला है जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स भी दे रखे हैं, ठीक है, जैसे ये वाला एंड दे रखा है, स्टार दे रखा है, आपको प्लस दे रखा है, तो ऐसे ऐसे सिंबल्स दे रखे हैं, क्या क्या सिंबल्स दे रखे हैं ऊपर को, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ जिससे जब भी आप कीबोर्ड यूज करो तो आपको पता चल जाए। तो मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, ठीक है? यस मैम। मैंने ये 0 तक कर दिया है, ठीक है, 0 तक यहाँ मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करने के बाद ये शिफ्ट मैंने क्लिक कर रखा था, और 1 2 3 4 5 यहाँ 0 तक मैंने क्लिक किया, तो क्या हुआ कि जितने भी सिंबल्स इसके ऊपर हैं वो सारे यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए। कैसे? अगर हम सिर्फ 1 2 दबाएंगे तो ये सिर्फ नंबर आएगा, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, मैंने ना सिर्फ नंबर दबाया है, और अगर मैं शिफ्ट दबा के 7 दबा रही हूँ, मैं शिफ्ट दबा के देखो मैंने 7 दबाया है तो 7 पे ये आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो निशान है इनको हम बोलेंगे सिंबल्स, क्या बोलेंगे? सिंबल्स। वेरी गुड। अच्छा इस बटन को क्या बोलते हैं मैम? इस बटन को मैम इस बटन का नहीं पता। इस बटन को बोलते हैं स्टार्ट बटन, क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, वेरी गुड। अच्छा ये जो बीच में स्टार्ट बटन से क्या होता है, जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हो तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है, उसके बाद वो तो आपको शट डाउन करना है, स्लीप करना है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेस बार से क्या होता है ये हम अभी यहाँ पे डिस्कस। यस यस मैम, स्पेस बार से जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें गैप हो जाता है। यस 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 बिल्कुल।
भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो, ओके, हेलो के बाद मैंने अभी स्पेस दबा दिया है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने दोबारा से कट कर लिया है, तो मैं कुछ भी करूंगी तो फिर ये नहीं दिखाएगा मुझे, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं दिखाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ हेलो लिखने के बाद मुझे लिखना है हाउ आर यू, तो मैंने दबाया स्पेस बार, फिर मैंने लिखा हाउ, उसके बाद मैंने फिर से स्पेस बार दबाया, फिर मैंने कहा हाउ आर यू, तो मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये स्पेस स्पेस ले लेके किया, यहाँ तक ये क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा एंटर क्यों यूज करते हैं, एंटर कब यूज करते हैं, एंटर जब यूज करते हैं जब आप फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन पे जाना हो। देखो अगर आप कुछ टाइप कर रहे होते हो तो फर्स्ट लाइन इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन आपने सब पहले टाइप किया हेलो, फिर आपको दूसरी लाइन पे जाना है, आपने टाइप किया एंटर, फिर आप गए नीचे लाइन पे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, और ये वाला कलर लेती हूँ मैं, हेलो, उसके बाद मैंने एंटर दबाया, फिर मैं नीचे चली गई, फिर मैंने लिखा हाउ आर यू, फिर मैं नीचे चली गई, फिर मैंने लिखा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ, फिर नीचे भी और लिख दिया मैंने, फिर नीचे दूसरी लिख दिया, फिर मैंने नीचे दूसरा लिख, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एंटर दबा रही हूँ नेक्स्ट लाइन के जाने के लिए, ठीक है? यस मैम। और अच्छा एक मेन चीज इसमें और है, दो मेन चीज है, पहला है कि अच्छा ये वाली लाइट आपकी कब जलती है, ये वाली लाइट जब जलती है जब आपको यहाँ का नंबर ऑन करना हो, जब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर लॉक NUM और यहाँ लिखा है LOCK लॉक, नंबर लॉक, तो नंबर लॉक को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ की लाइट आपकी जल जाएगी, ठीक है? Yes, फिर आप यहाँ का कोई भी नंबर टाइप करोगे तो यहाँ पर शो करेगा, लेकिन अगर यहाँ की लाइट बंद हुई तो मतलब ये आपका अनलॉक मतलब नहीं है, ठीक है? ओके नेक्स्ट, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक जब आप ऑन करोगे तो आपकी ये सेकेंड लाइट जलेगी, सेकेंड लाइट जलने का मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन करने के बाद ये सारे वर्ड जितने भी आप टाइप करोगे वो सारे कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम यहाँ तो पहले ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ये लिखा जरूर होता है लेकिन ये आपकी मर्जी है। अब देखो मैं यहाँ पे करती हूँ, सबसे पहले मैंने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है, ठीक है, मैं ऐसे ही टाइप कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं कैप्स लॉक ऑन कर रही हूँ और मेरा दूसरा लाइट जल चुका है, और मैं देखो अब जो भी टाइप कर रही हूँ मेरा कैपिटल लेटर में आ रहा है, ठीक है? यस मैम। तो ये क्लियर है आपको? यस मैम। कीबोर्ड के बारे में, ठीक है, अब मैं आपको माउस के बारे में बताती हूँ, ठीक है? यस मैम। फोटो पहुंच गई आपके पास? मैं अभी देख रहा हूं। यस मैम। ओके अच्छा, ये माउस में टोटल कितने बटन होते हैं, कितने बटन होते हैं? टोटल 3। कौन कौन सा, राइट और लेफ्ट? यस मैम। राइट लेफ्ट और ये बीच का, बीच वाले को क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन, स्क्रोलिंग या स्क्रोलिंग, और इसको बोलते हैं राइट बटन लेफ्ट बटन, ठीक है? तो कीबोर्ड में क्या, ये माउस में कितने बटन होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रोल व्हील। स्क्रोल व्हील है, स्क्रोलिंग है मैम, स्क्रोलिंग है, ठीक है, कंफर्म करके मुझे बता देना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ तक हमारा माउस और कीबोर्ड का डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। गुड, ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो लिखा है सम अदर इनपुट डिवाइस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड एंड लाइट पेन, ठीक है? यस मैम। सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इट इज यूज्ड टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब हम गेम खेलते हैं तो हमें क्या, हम किससे गेम खेलते हैं? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से, वेरी गुड। तो ठीक है, मैं जॉयस्टिक के बारे में भी आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ यही बता रखा है। मैं आपको इमेज सेंड करती हूँ और उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, आपके पास पहुंच गई? यस मैम। तो देखो इस प्रकार को जॉयस्टिक होता है, सबसे पहले ये यहाँ पर पकड़ने वाला होता है। मैंने जॉयस्टिक यूज नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ गेम जरूर खेलूंगी। तो कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉयस्टिक को यहाँ से पकड़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इसको मे बी फ्लैट रखते हैं। मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं क्योंकि मैंने इनको भी यूज नहीं किया है, बट अगर आप में से किसी को भी जॉयस्टिक के बारे में ज्यादा नॉलेज हो, कुछ भी नॉलेज हो, वो कमेंट जरूर करें, ठीक है? तो जॉयस्टिक के बारे में मुझे आपको इतना ही बताना था। ये जॉयस्टिक का ढांचा है, ढांचा मतलब इंस्ट्रक्शन है, ये ऐसे होते हैं जॉयस्टिक, ठीक है? ये स्टार्ट बटन में होता है और ये स्टॉप बटन होता है, तो ये ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है? तो मैं अब आपको दोबारा से बुक शेयर करती हूँ। ओके, सेकेंड है हमारा लाइट पेन। सो लाइट पेन क्या है हम डिस्कस करते हैं। तो हरप्रीत आप यहाँ से यहाँ रीड करो। हरप्रीत आपकी आवाज नहीं आ रही है। Oh, sorry, ma'am. It is used to select objects on screen. It is also used to draw figures directly on the screen. Very good. So, it is used to select object on screen. Screen पे जो भी object होते हैं आप उन स्लाइड पेन से आप उसे select कर सकते हैं। Object मतलब क्या होते हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट यानी मैम थिंग्स, सामान, चीजें या सामान। सो ऑन द स्क्रीन इट इज आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ, इसे हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये आपके बिल्कुल फिंगर की तरह काम करता है, जहां जहां आपका फिंगर होता है वहां वहां लाइट पेन काम करता है, स्क्रीन पे हमें वो शो करता है। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। लाइट पेन में कितने बटन्स होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, मुझे कमेंट जरूर करना। हरप्रीत यू आल्सो, ओके? यस मैम। ओके, आप हरप्रीत अभी से रीड करो। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। सो हम इट इज यूज्ड टू रिकवर्ड वॉइस, से हम वॉइस मतलब रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिक एंड साउंड इन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में। सो जैसे देखो अभी हमारी क्लास चल रही है, तो ये अगर मुझे अच्छी वॉइस चाहिए, बैकग्राउंड से कोई भी साउंड नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं माइक लूंगी और माइक में मैं बोलूंगी तो मेरे बैकग्राउंड का जितना भी साउंड है वो नहीं आएगा, ठीक है? यस मैम। तो माइक्रोफोन को हम यूज करते हैं वॉइस रिकॉर्ड के लिए, म्यूजिक रिकॉर्ड के लिए, साउंड रिकॉर्ड के लिए, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? यस मैम। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट? नो मैम।
अब हम डिस्कशन करने वाले हैं स्कैनर के बारे में. सो स्कैनर के बारे में हम बात करेंगे. तो इट इज यूज टू इनपुट पिक्चर इन द कंप्यूटर. तो यहाँ पर देखो, इट इज यूज टू इनपुट पिक्चर. आप मतलब आप मान लो कोई स्क्रीन पर आपने एक बहुत सुंदर सी एक फ्लावर देखा जो आपने नहीं देखा, लेकिन ये जो आपने कभी रियल में नहीं देखा, लेकिन आपने अचानक पिक्चर में देखा, किसी ने आपको फोटो भेजा, आपको कुछ इतनी पसंद आई कि आपने सोचा कि वो पिक्चर अब तो मुझे अपने घर पे लगानी ही लगानी है. तो आपने क्या किया, आप स्कैनर से उस निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, यूज टू इनपुट पिक्चर्स. ठीक है, मतलब आपने पेज डाला, मतलब बस आपको खाली पेज डालना है और अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि ये पिक्चर मुझे स्कैन करके दो, तो वो आपको वैसे सेम पिक्चर बना के दे देगा. पिक्चर यानी फोटो. ओके, पिक्चर्स. यस मैम. ओके, अब हमारा है इट इज यूज्ड टू मूव द माउस. ओके, अब हरप्रीत आप इसे रीड करो. इट इज यूज्ड टू मूव द माउस पॉइंटर विद योर फिंगर. एज यू मूव your finger on flat surface of the touchpad, the mouse pointer also move the same direction. Okay, it used to move the mouse pointer with your finger. तो सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है ऊपर से लेकर यहाँ तक कि ये मतलब कि हमें इसे यूज करते मूव करते हैं माउस को, माउस जैसे पॉइंटर. हम पॉइंटर यानी ये देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट चल रहा है ना, इसे पॉइंटर बोलते हैं. तो इसको आप कंट्रोल करते हो विद योर हैंड, ठीक है, अपने फिंगर से. एज मतलब इसके बाद एज यू मूव योर फिंगर, जब अपनी फिंगर आप मूव करते हो ऑन द फ्लैट सरफेस, जैसे कि देखो फ्लैट सरफेस टू टच पैड. देखो ये लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम. लैपटॉप में ना यहाँ माउस के लिए मतलब ऐसे जगह दी जाती है जिसको आप फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हो. यहाँ आपको क्या करना होता है, फिंगर बस टच करना होता है. तो टच करने के बाद ये माउस जैसा काम करता है, ठीक है. तो द माउस पॉइंटर आल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन. तो जिस साइड आपका हाथ यानी फिंगर घूमेगा उसी डायरेक्शन में पॉइंटर भी घूमेगा. जैसे अभी मेरा टच पैड वाला सिस्टम नहीं है, मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ, तो मेरा माउस है, तो मैंने माउस पे फिंगर रख के, लेकिन मुझे मूव फिर भी करना पड़ रहा है. देखो yes, तो मैं जिस डायरेक्शन में जिस पोजीशन पे मैं अपने हाथ को फिंगर को घुमा रही हूँ उसी डायरेक्शन में उसी तरह मेरा पॉइंटर भी घूम रहा है, ठीक है. यस मैम. ओके, अब देखो यहाँ पर ना कुछ यूनिक बता रखा है, इसको हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के एंड में, ठीक है. यस मैम. अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं दिखा रखा है, ये हमारा है प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसिंग, यहाँ द लिखा हुआ है, ठीक है. आपके पास तो बुक होगी, आप उसमें से जरूर देख लेना. द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. देखो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है हरप्रीत? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यस, सीपीयू इन प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू, द सीपीयू इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. जो सीपीयू बॉक्स के मतलब ये जो सीपीयू है ना, ये प्रेजेंट होता है सीपीयू बॉक्स में. अब सीपीयू बॉक्स ये रहा, ये हमारा है सीपीयू. क्या है हमारा सीपीयू? तो द सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर. तो जो भी जितना भी कैलकुलेशन आप करते हो सीपीयू मतलब उसमें वो डन करता है, अपने अंदर कंप्यूटर में दिखाता है. जैसे मान लो मैंने अभी सर्च किया 2+2, तो वो अपने में पहले सर्च कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद में मुझे आंसर दे रहा है 4, ठीक है. यस मैम. तो आज हमने ये किया है. ओके, या फिर बाकी हम कल करेंगे, बहुत है, ठीक है. यस मैम. ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय मैम.